हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अभिषेक यार ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को लेके चलते हैं उस जंगल पे जहाँ पे यह बोला जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल फेनोमिना होता है उसमें। चलिए, क्या सही क्या गलत हो उस जंगल पे लेके चलते हैं आप लोगों को। चलिए आपको जंगले पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये सारा अफवाह फैला हुआ है। तो चलिए, तो दोस्तों देख रहे हैं वहाँ पे बच्चा लोग है जहाँ पे जिस जगह के बारे में अफवाह है कि यहाँ पे भूत या चुड़ैल इस तरह का आवाज़ें आती है तो रात में, तो पहले से देख रहे हैं वहाँ बच्चा लोग खेल रहा है। अगर वैसा रहता तो कुछ उस तरह का रहता तो वहाँ पर तो पहले बच्चा लोग जाता नहीं डर से। तो देख रहे हैं वहाँ पर बच्चा लोग पहले से बच्चा लोग वहाँ पर पहुँचा हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या सही क्या गलत, तो उसका अंदर में जाके देखेंगे हम लोग। अभी तो दिन है तो हो सकता है कि दिन में बच्चा लोग को पता नहीं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो सच में भूत प्रेत होते हैं, तो महाभारत में भी बोला गया है श्री कृष्ण के द्वारा कि आत्मा जो होती है उसके बाद भूत प्रेत भी। जब देखिए कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर है तो उसका पॉजिटिव ऊर्जा भी है, तो दोनों का रहना जरूरी है और दोनों होता भी है। तो चलिए आपको लेके चलते वहाँ दिखाते हैं सच में है कि नहीं भी है। तो डर तो नहीं, आज दिन का समय है तो भाई सब किसान लोग अपना अपना काम उम कर रहे हैं, तो हम लोग भी आए हैं तो अभी उतना डर नहीं है। तो अंदर घुस के देखते हैं। कि भाई जंगल बांस उंस सब कुछ लगा हुआ है, बांस भी है और पेड़ पौधा। जंगल में तो जानवे करते कितना मतलब पेड़ पौधा रहता है, तो सारा है। तो चलिए, थोड़ा तार वाला है माइक तो हो सकता है छूट भी जाए, तो दिक्कत ना लीजिएगा उसका, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। तो चलिए, जंगल तो है घना सा लेकिन उस तरह से तो नहीं दिख रहा जिस तरह से बोला गया है आदमी सब की इसके बारे में अफवाह जो फैलाया है। तो हम लोग अंदर घुस के दिखाते हैं आपको कि ये सही है या गलत है। तो चलिए, तो बच्चा लोग से पूछते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो आइए ये बच्चा लोग से पूछ लेते हैं क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, जब बोला जाता है कि भूत प्रेत रहता है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्हीं लोग से पूछते हैं, भाई सांप भी हो सकता है थोड़ा सा देख के, क्योंकि जंगल तो बहुत है। तो ये बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब बोला जाता है यहाँ पर कि भूत प्रेत रहता है तुम लोग को डरने लगता है। अच्छा, तुम लोग करते क्या हो यहाँ पे? कहाँ कुछ आखिर करते क्या हो यहाँ पे भर दिन? आखिर ये जगह है बोला जाता भूतिया जगह है, तो तुम लोग को डर नहीं लगता? हाँ लगता है, मतलब कने इधर इधर करते इधर देख के बोलो, इधर कैमरा है, इधर आओ तुम भी। तो मतलब डर लगता है, अभी आदमी सब इसीलिए आ जाते हो, फिर शाम में अभी नहीं आते हैं। यहाँ गिद्धर उधर रहता है, हड्डी उड्डी खाता है। क्या खाता है? हड्डी उड्डी। गिद्धर किसको बोलता है? भेड़िया को। भेड़िया को, भेड़िया भी रहता है? तो बाबू तुम लोग बच के रहना, भेड़िया बहुत खतरनाक होता है, कंठे काट देता है वो। इसीलिए जंगल में मत रहो, जंगल तो भयानक है, हम लोग को भी देखने से डर लग रहा है, तो लेकिन तुम लोग यहाँ पे मत रहो, सांप भी हो सकता है बहुत। यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे हड्डी है किसी चीज़ का। ये हड्डी किसका है पता नहीं, ये किसी चीज़ का हड्डी है यहाँ पे। ये आदमी का ही है, आदमी का ही हड्डी लगता है क्योंकि बकरी का इतना मोटा नहीं होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये आदमी का ही हड्डी है। तो कुछ ना कुछ तो नेचुरल फेनोमिना यहाँ पे होता है ज़रूर, क्योंकि हो भी सकता है कि यहाँ पे ओझा वगैरह सब भी रह सकता है, क्योंकि जगह थोड़ा सा शमशान है जस्ट सटा हुआ, तो हो भी सकता है भूतिया जगह टाइप का तो लगता ही है। लेकिन बच्चा लोग का भी कहना है कि हम लोग यहाँ पे दिन में सिर्फ रहते हैं और पापा लोग भेज देते हैं हम लोगों को खेत देखने के लिए, इसी कारण आके यहाँ पे
रहते हैं। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा दिन ढलने लगता है तो उसके बाद ये लोग अपना घर चले जाता है, क्योंकि सारा किसान अपना घर चले जाते हैं दिन ढलने के बाद, तो कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। तो उसके बाद से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, प्रोग्राम बोले तो बूथ लोगों का कहता है, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है कि झंझनाहट आवाज़ कुछ अजीब टाइप का आवाज़ गूंजती है यहाँ पे, तो सच में गूंजता होगा तभी, क्योंकि देखिए सब झूठ नहीं बोलेगा, एक आदमी दो आदमी बोल सकता है, सबका कहना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाए यहाँ पे, इसी के कहने से यहाँ पे आए हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, तो इसी का एरिया में आया है। तो चलिए इससे पूछते हैं कि सच में यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं। तो बताइए आप यहाँ पे जो आप लाए बुला के हम लोग को कि चलिए वहाँ पे एक तो ब्लॉग डालिएगा वहाँ का, सच में वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, तो क्या सही बात है यहाँ पे? जी देखने में तो मतलब हम भी यहाँ नहीं रहते हैं फिलहाल, तो हम बाहर रहते हैं, तो इस बीच में ही आए हैं, एक दो महीना हुआ है हमको। लेकिन मतलब पापा लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे मतलब रात में आवाज़ आता है, मतलब और हमको भी उतना अच्छा से पता नहीं है, भूतिया टाइप का कुछ माहौल आता है, रात में खाना और खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ आता है, पायलों की झंझनाहट आवाज़ आता है, लेकिन पापा लोग जो है मना करते हैं हम लोगों को, मतलब कि ये कच्ची रोड है, तो इस ओके मतलब रात का मौसम है तो शाम होने के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और वैसे भी जो है यहाँ पे मतलब ये भी पता चला है कि यहाँ पे रात के बाद जो है बहुत आदमी मतलब ऐसे कि मतलब गए हैं तो मतलब मिले ही भी नहीं है कि यहाँ पे मतलब किधर जाते हैं, यहाँ आने के बाद वो गायब हो जाता है, गायब भी हो जाते हैं, और मतलब ऐसा है ना कि कुछ और घुस जाता है कि हमको मतलब, ये काम करना है, यहाँ आने के बाद नेगेटिविटी घुस जाता है कि भाई हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ तो वैसे भी जो है गाँव में तो ऐसा होता है, वशीकरण टाइप का होता है, अगर ओझा तोझा होता है तो वो सब को लेके जो थोड़ा हम लोग को भी डर रहता है कि वहाँ फैक्ट बात क्या है वो तो किसी को नहीं पता है। वो दिन था इसलिए हम लोग भी आ गए, नहीं तो हम लोग को भी उतना हिम्मत नहीं है यहाँ आकर के शूट करना। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे हड्डी है, हो सकता है मे भी कि यहाँ पे तांत्रिक लोग या ओझा लोग बैठ के कुछ ना कुछ तो करता है। देखिए तांत्रिक लोग के पास आता है भूत, सच में वो उसको हैंडल कर लेता है, उसको काबू में करने का कैपेसिटी है तांत्रिक लोगों के पास, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत ही युगों से आता है ये परंपरा कि भाई वो लोग भूत प्रेत को काबू कर लेते हैं। जैसे नहीं देखते नागा साधु लोग, देखते हैं आप लोग नागा साधु लोग, सिर्फ क्या कहते हैं प्रयागराज में ही मिलेगा, वो भी क्या बोला जाता है प्रयागराज में जब वो मेला लगता है तभी कुंभ में ही मिलेगा, उसके बाद कहाँ गायब रहता है वो लोग, कोई नहीं देखा आज तक उस लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हड्डी तो साक्ष्य मिल गया कि आदमी का ही हड्डी है, और आप लोगों को प्रूफ क्या देंगे, लेकिन जस्ट सटा हुआ श्मशान है वहाँ पे आदमी लोग को जलाया जाता है, तो हिंदू का ही है क्योंकि हिंदू लोग को जलाया जाता है, हिंदू धर्म में तो कुछ अलग ही परंपरा है उसको जलाया जाता है, तो और सब धर्म में अलग अलग परंपरा है, किसी मुस्लिम धर्म में जैसे दफना दिया जाता है तो सबका अलग अलग परंपरा है, तो हम लोग का ही हिंदू का ही वहाँ पे जलाया जाता है। तो हो सकता है मे भी कि यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ किसी और दिन वहाँ पे जाएंगे शमशान पे, क्योंकि आज डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हड्डी देख लिए है तो ऐसे भी डर लग रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा आदमी रहेगा तब जाएंगे, क्योंकि अकेले नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा शमशान है तो वहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है कुछ नेगेटिविटी अटैक कर जाए, तो डरते हैं हम लोग, क्योंकि उतर तक के लिए बाय और यहीं से।